दोस्तों नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है वो जारी हो चुकी है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, अभी तक स्कॉलरशिप थी वो नहीं आ रही थी, बजट कम हो गया था सरकार के पास से, बजट ख़त्म होने की वजह से जो सारे स्टेटस थे वो पेंडिंग में थे, कोई वो दोस्तों पेंडिंग के बाद दोस्तों रिजेक्ट कर दिया गया था, किसी का कुछ दिखा रहा था, किसी का कुछ दिखा रहा था, इस तरह से जो स्टेटस थे वो इधर उधर चल रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर एक न्यूज है वो बहुत बड़ी अपडेट जारी हो चुकी है, जिसे एक बार हम इस पढ़ के देख सकते हैं। तो जिन छात्राओं के ने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा हुआ था उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर आई है। जिन छात्रों की स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने की ओर से एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भेजी जा रही है। छात्र चाहे 9वीं के हों या 10वीं के हों दोस्तों, या 11वीं के या 12वीं के, या दोस्तों ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कुछ भी कर रहे हों, ठीक है दोस्तों, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यूपी स्कॉलरशिप नया बजट, यानी दोस्तों जो आपका बजट ख़त्म हो गया था वो बजट है दोबारा पास हो गया है। तो दोस्तों ये क्या 400 करोड़ का बजट पास हुआ है या नहीं हुआ है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा, सबसे पहले हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो बजट समाप्त किया गया था उसे पुनः प्राप्त कर लिया गया है। फिर से पारित बजट में 400 करोड़ का बजट शामिल है, जिसमें सभी छात्राओं की छात्रवृत्ति आज से भेजी जाने लगेगी। जिन छात्राओं का स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है, इस नए बजट में शामिल सभी का बजट शामिल है, जिसमें जनरल ओबीसी एससी एसटी शामिल है। दोस्तों आपको पता होगा कि सरकार द्वारा बजट ख़त्म हो गया था, जिसके कारण छात्रवृत्ति नहीं भेजी गई थी, अब सरकार ने फिर बजट जारी कर दिया गया है। वे सभी छात्र जिनकी छात्रवृत्ति स्थिति जिला छात्रवृत्ति समिति द्वारा सत्यापित अनुशंसित दिखाई दे रही है, उन सभी छात्राओं की छात्रवृत्ति आज से आने लगेगी। यदि आपने अभी तक अपना जो स्टेटस है दोस्तों अगर चेक नहीं किया है तो एक बार चेक जरूर कर लें और ज़रूर देखें कि आपका स्टेटस है वो किस तरह से शो हो रहा है, जिस तरह से पहले से हो रहा था क्या उसी तरह से अभी भी दिखा रहा है। दोस्तों अगर मैं तो सीधी जानता हूँ, अगर ये जो बजट है वो पास हुआ होगा तो आपका स्टेटस है दोस्तों वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर आप जो स्कॉलरशिप आपकी आएगी और आपका जो वेरीफाई हो गया है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सिर्फ आपका जो पैसा है आने लगेगा, वैसे ही शो होने लगेगा वहाँ पर। और जिनका दोस्तों जो पेंडिंग में है उनका एस्पेक्ट हो जाएगा, और जिस तरह से उनका जो स्कॉलरशिप स्टेटस अलग अलग तरीके से शो हो रहा था उनका, जैसे ही अगर ये बजट सही होगा दोस्तों, अगर पास हुआ होगा फेक नहीं होगा, तो आपके स्टेटस जरूर एक दो दिन में ही दोस्तों चेंज होने लगेंगे। तो दोस्तों इसको लेकर आपकी क्या राय है, ये स्कॉलरशिप के जो 400 करोड़ का जो बजट है वो क्या सही है या नहीं है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि ये 400 करोड़ का जो बजट है वो पास हुआ होगा, अगर पास हुआ होता तो दोस्तों अब स्कॉलरशिप थी वो आने लगी होती। जैसे कि दोस्तों आपने 2-3 दिन पहले आपको पता होगा कि जो 20 अप्रैल तक आपको स्कॉलरशिप मिलने का जो एक अपडेट निकल कर आ रही थी, तो 20 अप्रैल को भी काफ़ी लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, वो 1-2 लोगों को ही स्कॉलरशिप मिली थी। तो दोस्तों अब देखते हैं कि क्या ये सच में ही ये 400 करोड़ का जो बजट है के पास हुआ है। दोस्तों आपको ये 1-2 दिन में ही पता चल जाएगा अगर आपके स्टेटस हैं वो दोस्तों चेंज होंगे, करंट स्टेटस चेंज होते हैं तैसे ही, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपका स्टेटस है चेंज हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।